अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 18 परफॉर्म करेंगे। फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में हम रेजिस्टर्स को पैरेलल सर्किट में स्टडी करेंगे। और रेजिस्टर हमारे पास क्या होता है? हर वो चीज़ जो कि करंट के रास्ते में रुकावट का बाइस बनेगी, या ऐसी डिवाइस जो कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करेगी। चाहिए इसमें बैटरी चाहिए जिसका वोल्टेज 6.75 से 6.90 के दरमियान हो, वोल्ट मीटर चाहिए, एमीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स और रेजिस्टर्स चाहिए। इसके अलावा की हमें चाहिए। इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उनमें दो एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक बैटरी चाहिए, ठीक है, कीज चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और रेजिस्टर्स चाहिए। सो सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने अपरेटस को कनेक्ट कर लिए, ठीक है। हमने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, R1 और R2। सो ये दो रेजिस्टेंस हैं। इन दोनों रेजिस्टेंस का एक एक टर्मिनल जो है वो हमने कनेक्टिंग वायर के जरिए इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों रेजिस्टेंस को, ठीक है। और फिर बताया था कि जो दोनों रेजिस्टेंस है उसका जो दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, वो हमने नेगेटिव टर्मिनल जो है एमीटर के उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये आप देखें, इस रेजिस्टेंस का भी एक टर्मिनल हमने एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है, और इस रेजिस्टेंस का भी एक टर्मिनल हमने एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, ठीक है। फिर हमने जो एमीटर के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये आप देखें, ये जो वायर है इससे आप देखें, ये एमीटर का पॉजिटिव है और इसको हमने इस वायर के जरिए कनेक्ट किया है ये दूसरे एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 हम इसे कहेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। सो रेजिस्टेंस जो R1 है उसके साथ दो वायर्स कनेक्ट की हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 इसके साथ दो वायर कनेक्ट किए हैं, एक वायर को बैटरी के जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी वायर को वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करती है, ठीक है। इसी तरह A1 जो एम मीटर है, ठीक है, उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे दो वायर कनेक्ट किए हैं और एक वायर को हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से अटैच किया और दूसरी वायर को हमने की के साथ कनेक्ट किया है। और की का जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। सो ये हमने सर्किट डायग्राम के मुताबिक ऑपरेटर्स को कनेक्ट किया है। ऐसे ही की क्लोज करेंगे तो क्लोज करने से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों एम मीटर और जो वोल्ट मीटर है वो हमें रीडिंग शो करेंगे, ठीक है। सो मैंने ये जो एम मीटर है उसके मैंने पॉजिटिव टर्मिनल 3 एम्पेयर वाला लिया है, तो मैं यहाँ पे जो स्केल रीड करूँगी वो 3 एम्पेयर वाला, मतलब जो ऊपर वाला स्केल है उसको मैं रीड करूँगी। सो ये मेरा पहला वोल्ट एम मीटर है, A1 है। सो आप देखें जो ऊपर वाला स्केल है उसमें आप देखें 0 और 1 के दरमियान 10 dBm है, तो आप 1 को 10 से डिवाइड करें तो जो स्मॉल डिवीजन है वो 0.1 के बराबर है। तो आप देखें 0 के बाद ये फर्स्ट डिवीजन पे है, मतलब जो फर्स्ट एम मीटर है वो हमें 0.1 रीडिंग दे रहा है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि नीडल फर्स्ट जो है वो स्मॉल रीडिंग पर है। सो ये A1 की हमारे पास रीडिंग क्या आई है, 0.1, ठीक है। और हम ऊपर वाला स्केल क्यों रीड करें, क्योंकि हमने 3 एम्पेयर जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। सेकेंड जो आपका जो एमीटर है A2, आप देखें उसमें 0 के बाद 1, 2, 3, 4 फिफ्थ पे जो है वो नीडल मौजूद है, तो एक स्मॉल डिवीजन 0.1 के बराबर है। तो 0.1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 एम्पेयर जो है वो सेकेंड एमीटर की रीडिंग आ रही है। और वोल्ट मीटर की हमारे पास क्या आ रही है, 6 वोल्टेज जो है वो हमारे पास रीडिंग आ रही है। सो ये आप जो है रीडिंग नोट ऑन कर लेंगे। पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो हमारे पास, हम उसको पहले फाइंड आउट करेंगे। सो 1/R जो है वो बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/R इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इनटू R2। तो हमने R फाइंड करना है, हम जो है वो उलट करेंगे, ठीक है। सो R1 R2 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और R2 प्लस R1 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, R इज इक्वल टू R1 इनटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। सो अब हमने जो ऑब्जर्व की है, अब हम
उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट. सो वोल्टेज दोनों में सेम होगा 6, ठीक है, आर वन के केस में भी और आर टू के केस में भी, क्योंकि पैरेलल सर्किट है. और करंट आई वन की हमारे पास वैल्यू फर्स्ट एम मीटर की जो वैल्यू है 0.1 आई थी, और सेकंड एम मीटर मतलब आई टू की वैल्यू 0.5 आई थी. सो आर वन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 आएगा, और आर टू जो है वो जब कैलकुलेट करेंगे 12 आएगा, ठीक है. सो अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फार्मूले की मदद से हमने फाइंड आउट करनी है. सो आर जो है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था पैरेलल सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू डिवाइड बाय आर टू प्लस आर वन. तो जब हम सॉल्व करेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 60 को ऐड करेंगे 12 में, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 12 720 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 12 72 आएगा. तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10, ठीक है. सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट में. सो ये आप देख सकते हैं 10 आके हमारे पास, ठीक है. सो रिजल्ट हमारे पास क्या आया है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होती है पैरेलल सर्किट में वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट.